अगली खबर आ रही है गया से, जहां मामला बुनियादगंज थाना क्षेत्र के सौंधी गांव का है, जो बीते 2 माह पूर्व बॉयज कोचिंग सेंटर से घर लौटने के क्रम बुनियादगंज थाना गेट के समीप से ही गुम हो गया था। दिव्यांशु राज की मां लोमा कुमारी ने थाना में आवेदन देकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन खोजने में नाकाम साबित हो रही है। तो फिर गया में क्राइम कंट्रोल कैसे करेगी? 60 दिन बीतने के बाद भी पुलिस एक खोए हुए बच्चे को ढूंढने में कामयाब नहीं हो सकी। उसे जमीन निगल गई या आसमान उड़ा ले गया? प्रत्येक दिन पुलिस प्रशासन से बच्चे की कुशल वापसी के लिए आग्रह तथा विनती करती रहती हूँ, लेकिन प्रशासन कान में तेल डालकर घोर निंद्रा में डूब चुकी है। कौन मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा, प्रशासन या राहगीर? कब तक मेरे बच्चे को प्रशासन ढूंढ पाएगी? कितने दिनों तक मैं थाना का चक्कर लगाती रहूंगी? समझ में नहीं आता है। एक तरफ पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की घटना या दुर्घटना होने पर पुलिस को सूचना देने के लिए वरीय अधिकारी सलाह देते हैं, तो वहीं पुलिस के द्वारा घोर लापरवाही बरती जाती है, जिससे आए दिन समाज में अनेक तरह के पुलिस प्रशासन के खिलाफ विचार भावना उत्पन्न होने लगी है और जनता का भी भरोसा पुलिस पर खत्म हो चुका है। वरीय अधिकारियों से मिलने के बाद भी अब तक बच्चे को ढूंढ नहीं पाई है पुलिस, जो आए दिन सवालों के घेरे में है। पुलिस प्रशासन की खाकी वर्दी पहने हैं जवान। क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ दिखावे के लिए तैनात किया गया है या जनता की सेवा करने के लिए? भी सहारा नहीं मिला। पहले तो कहते थे कि हमने पोस्टर छिपवाया है, इनाम घोषित किया है, पोस्टर चिपकाया है, लेकिन कोई असर नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। आज तक भी कुछ नहीं दिख। बोलते थे कि आपका बच्चा का ईमेल आईडी चल रहा है, ईमेल आईडी से बच्चा का आपको चला रहा है, तो हम कहें कि ठीक है ईमेल आईडी चला रहा है तो उसको भी टेस्ट किया जाए। साइबर क्राइम क्या हो रहा है, उससे भी कोई सूचना अभी तक नहीं है। किसी को कुछ बोल देते हैं थाना, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी किसी को कह देते हैं कि बच्चा पता लग गया है, लेकिन हम जाते हैं तो हमें तो कुछ नहीं बताते। अच्छा 50 दिन हो गया, अब तो कभी कभी लगता है कि मेरा बच्चा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मेरा एक ही बच्चा है, प्रशासन के पास हम रोज जाते हैं, रोज दुआई करते हैं। ये प्रशासन नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगी? अब किससे हम मदद ले? आप बड़े बड़े अधिकारी के पास गए हैं शिकायत लेकर, क्या आपको समझ में आ रहा है कब तक आपका बच्चा ढूंढ दिया जाएगा? कुछ नहीं, हमें SP, SSP, DI, DIG के पास भी गए हैं, लेकिन किसी तरह से कोई नहीं। सब आसपास आपका बच्चा हम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? आज 50 दिन से पार कर गया, लेकिन मेरा बच्चा आज तक मेरे पास नहीं है। नहीं किसी तरह से सूचना मिला कि हाँ यहाँ है चाहे कहीं है, कोई सूचना नहीं है। रोज आते हैं, कभी उस प्रशासन के पास, कभी यहाँ, कभी वहाँ। अगर यही बड़ा आदमी का बेटा रहता, कोई नेता का बेटा रहता, तो एक दिन भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी उसका बच्चा चला आता। लेकिन मेरा बच्चा तो आज तक नहीं है। किसी तरह से कोई मदद नहीं हमको मिल रही है। जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हमने इनको मतलब जो है बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत किए हैं और काम किए हैं। तो मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट कहाँ है? अभी तक 50 दिन बीत जाने के बाद रिजल्ट कहाँ है? आप अपनी तरफ से और घर वालों की तरफ से पूरी प्रयास कर चुके हैं। यहाँ तक भी हमने दोबारा से उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप फिर से एक बार, जहाँ जहाँ फुटेज वगैरह नहीं अथी हो पाया, फिर से देखा जाए, फिर से उस छानबीन के जाके कुछ मिले।